नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो चुके हैं और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे वो गोरखनाथ जाते हैं और वहां पर बकायदा मंदिर में हवन पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और इसी के साथ ही वहां पर जो तमाम फरियादी आए थे, करीब इन फरियादियों की संख्या 600 के करीब थी और इन सभी फरियादियों की उन्होंने समस्या भी सुनी है। आपको बता दें कि हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं और इसको लेकर के भी प्रदेश में वो काफी मशहूर हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है तो ऐसे में तमाम बड़े नेता आज उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई भी दे रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मायावती, ओम बिरला, राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही अमित शाह, किरण रिजिजू और नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शुमार हैं। आपको बता दें जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी तो इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक सफल लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं और ये विकास वो निरंतर करते रहे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके ट्वीट को शेयर करके ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन की वजह से ही वो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी भी करार दिया है। बता दें कि यह फैसला करीब 32 साल के बाद आया है। ऐसे में इस केस से जुड़े जो मुख्य गवाह रहे अजय राय, जो कि अवधेश राय के भाई भी हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका में हमेशा से ही भरोसा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम धमकियां मिलने के बावजूद भी अपनी लड़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि जहां देश भर के तमाम बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो इसी के साथ ही देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमीशन जो कि इंडिया में है, उनकी राजदूत सारा स्टोरी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दिया है। इसी के साथ ही तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर 4 युवकों ने पदयात्रा की और ये पदयात्रा 700 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने की है और वो अयोध्या पहुंचे हैं। इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने सीएम योगी की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पदयात्रा की है। आपको बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं तो वहीं सीएम को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में देखने को मिला कि वाराणसी में खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को मनाया गया। इस अवसर पर वहां पर तमाम लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर केक काटा और एक केक बुलडोजर डिजाइन में बना था, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने दिन की शुरुआत की है गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन करके, रुद्राभिषेक करके, तो इसकी भी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में 32 साल के बाद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। बता दें कि पूर्वांचल में अवधेश राय हत्याकांड का ट्रायल वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस केस में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम नामजद किए गए थे। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय की उसके घर के सामने ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी और अब्दुल कलाम नामजद किए गए थे। 32 साल की लड़ाई के बाद आज मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। बता दें कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुआ था। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर लखनऊ सहित कई शहरों में शांतनु गुप्ता की लिखी ग्राफिक नॉवल रिलीज की गई है।
अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम की ग्राफिक नॉवल को 20 जिलों के 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति के साथ रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि इस ग्राफिक नॉवल में सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन के सफर में बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने संन्यास लिया, इसके बाद कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आज प्रदेश के सीएम बने हुए हैं। बता दें अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन के सफर के बारे में बात करें तो 1990 के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। अजय सिंह बिष्ट ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी से संबंधित एक कार्यक्रम में अजय सिंह की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई थी। इसी के साथ ही 1994 में महंत अवैधनाथ से लिया आशीर्वाद उन्होंने और उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिसके बाद वो अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बन गए, जिसके बाद उन्होंने सियासत की राह चुनी और इस साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से संसदीय चुनाव लड़ा। पहली बार जीत के बाद संसद में उन्होंने संस्कृत में सबसे युवा सांसद के तौर पर शपथ भी ग्रहण की। इसके अगले साल ही एक बार फिर से चुनाव होता है और योगी फिर से जीत दर्ज करते हैं। जीत का ये सिलसिला उनके यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि जब 26 साल की उम्र में वो संसद पहुंचे थे तो वो सबसे युवा सांसद के रूप में जाने जाते थे। बता दें कि सीएम योगी जब पहली बार सीएम बने तो उन्होंने कई सारी परंपराओं और मिथकों को भी तोड़ डाला। सबसे पहला मिथक तो ये कि जो भी सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सीएम योगी ने 37 साल पुराना ये मिथक भी सीएम बनने के बाद तोड़ा और एक परंपरा ये भी थी कि एक बार जो यूपी का सीएम बन जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बन पाता। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 का विधानसभा चुनाव दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और एक बार फिर से सूबे के मुखिया बन गए और ये देखने को मिला कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये दूसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं। वहीं दूसरे कार्यकाल के दौरान माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर के सीएम योगी भी काफी ज्यादा सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आए। अपराधियों की आर्थिकी पर चोट करने के लिए योगी सरकार ने उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया और इसकी चपेट में प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के अलावा कई छोटे बड़े अपराधी और जो दंगा करने की साजिश रचते हैं ये तमाम लोग उनके हत्थे चढ़े। और सीएम योगी की इसी कार्यशैली की वजह से योगी को लोग बुलडोजर बाबा भी बुलाने लगे और देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्यशैली जो है उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती थी माफियाओं के खिलाफ, तो यही कार्रवाई लगातार अन्य राज्यों के सीएम भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात हम उत्तराखंड की करें, बिहार की करें, या फिर मध्य प्रदेश की करें, या असम की करें, ये तमाम ऐसे स्टेट है जहां पर माफियाओं के खिलाफ इसी तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, बुलडोजर का रवैया अपनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के लिए आज सबसे ज्यादा मुश्किल वाला ये दिन है क्योंकि कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।